महाराष्ट्र में बीजेपी को उन 23 सीटों को बचाना है जो आपने 2019 में जीती थी, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में एक पूरी खिचड़ी बनी हुई है। शिवसेना और एनसीपी टूटी है, उनके दो पार्टनर आपके साथ है, जो दो गुट है आपके साथ है। क्या उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी के साथ या उनके पक्ष में आप कोई एक सिंपैथी की लहर देख रहे? देखिए, पहली बात तो मैं महाराष्ट्र के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं अलग से महाराष्ट्र के विषय को लेकर आपसे बात कर रहा हूँ। अब देखिए, ये बात सही है कि वहाँ लंबे अरसे से मिलीजुली सरकार चलती है। विलासराव देशमुख थे तब से लेकर के, आप देखिए, इवन शरद पवार भी जब मुख्यमंत्री बने थे वो भी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले नहीं बन पाए थे। दूसरा, महाराष्ट्र का दुर्भाग्य रहा है कि लंबे अरसे से 5 साल तक कोई एक मुख्यमंत्री रहा नहीं है। एक भी व्यक्ति 5 साल में, देवेंद्र फडणवीस पहले व्यक्ति थे लंबे अरसे के बाद जो एक पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री रहे, और पूरी सरकार बेदाग रही, पूरी सरकार लोगों का भला करने वाली सरकार रही। अब सिंपैथी हमारे साथ होनी चाहिए कि जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़े, जो लोगों ने हमारे साथ चुनाव लड़ करके महाराष्ट्र के लोगों से वोट मांगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के खुद के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण और उसमें अहंकार भर गया, इसके कारण आपने बाला साहब ठाकरे के जमाने से बनी बनाई इस जोड़ी को धोखा दे दिया, और उसका लोगों को गुस्सा है, बीजेपी के प्रति सिंपत्ति है। दूसरा, शिवसेना के अंदर जो तूफान खड़ा हुआ या एनसीपी के अंदर जो तूफान खड़ा हुआ, वो साफ साफ दिखता है कि जब आप अपने परिवार के लोगों को ही प्राथमिकता देते हैं और बाकियों को नहीं देते हैं तो कभी न कभी तो कठिनाई पैदा होती है। शरद राव के घर में जो मुसीबत है, उनके पारिवारिक झगड़ा है, भतीजा संभाले कि बेटी संभाले, यहाँ भी इनका झगड़ा यही है कि भाई और कोई सक्षम नेता ऊपर आए कि खुद का बेटा, भले अभी जैसे यहाँ एक परिवार में कांग्रेस के चल रहा है उस पर, तो वो झगड़ा उनका है जी। और मैं मानता हूँ हमारा देश इस प्रकार के पारिवारिक झगड़ों के प्रति नफरत करता है, सिंपति नहीं करता है। तो ये बिल्कुल ही, आप सिंपति शब्द लेकर के सिंपति दिलवाने की अगर कोई कोशिश करता है तो मैं समझता हूँ वो भी फेल जाने वाली है। लोग नफरत करते हैं, लोग ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं कर सकते कि भाई ये तुम्हारे घर के झगड़े, तुम घर में निपटो ना, महाराष्ट्र को क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो गुस्सा है। दूसरी बात है, जहां तक आज शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा सीटें होने के बाद मैंने त्याग किया, त्याग महाराष्ट्र की भलाई के लिए किया। कुछ लोगों को लगता था कि हम सीएम बनना चाहते हैं, नहीं, पर हम सीएम बन सकते, नहीं बने हैं। महाराष्ट्र की जनता को हमने कन्विंस किया है कि हम महाराष्ट्र के लिए जीते हैं, हमारे लिए नहीं जीते हैं। और इस चुनाव में ये सिंपत्ति हमारे पक्ष में है कि इतना बड़ा दल, एक मुख्यमंत्री सफल रहा हुआ मुख्यमंत्री, वो आज डिप्टी सीएम बन करके भी एक प्रकार से खुद के सम्मान को छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए। और मैं मानता हूं हमारे देश में बंगाल बर्बाद हो गया, कोलकाता एक इकोनॉमी को ड्राइव करता था लेकिन वहां इस प्रकार के उठा पकड़ की राजनीति ने बर्बाद कर दिया, बिहार और उत्तर प्रदेश अस्थिरता की राजनीति ने तबाह करके रख दिए थे,
महाराष्ट्र को इस हालत में जाने नहीं देना चाहिए। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, हमें देश हित में भी महाराष्ट्र में मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए और ये बात हम महाराष्ट्र की जनता को समझा रहे हैं, उनको कन्वे कर रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है जी।